आज जिसके बारे में बात कर रहा हूं उसका नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में जो हुआ आपको सुनना चाहिए। टीपू सुल्तान 18वीं सदी में कर्नाटक के मैसूर राज्य का शासक था। बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, हम लोग जब बचपन थे टीपू सुल्तान सीरियल आता था। इतिहास की किताबों में टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर बताया गया। टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली ने अंग्रेजों को कई युद्धों में हराया था। यह हमें बताया गया, हमें सीरियल में दिखाया गया कि देखो ये अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अंग्रेजों को हरा रहे थे, तुम्हारे हीरो। आज जरा हीरो के पन्ने मैं दिखाता हूं। अंग्रेजों के साथ चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ाई में मारा गया। टीपू सुल्तान की तलवार बहुत मशहूर हुई थी जो वुड्स स्टील से बनी हुई थी और जिससे वो दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से चीर देता था, यह बताया गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि टीपू सुल्तान के बारे में किताबों में कई ऐसी बातें हैं जो हमने रिसर्च की और हमें मिली, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, वो क्यों नहीं बताई गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, टीपू सुल्तान की तलवार के बारे में किताबों में बताया गया, टीवी सीरियल तक बना। यह बताया जाता कि टीपू सुल्तान की तलवार के हैंडल पर कुरान की आयतें भी लिखी हुई थी, लेकिन यह नहीं बताया जाता कि टीपू सुल्तान के तलवार के हैंडल पर जो लिखा था उसका मतलब क्या है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये टीपू सुल्तान के तलवार की जो तस्वीर है वो यहां डालिए। टीपू सुल्तान की ये तलवार है और इसका जो हैंडल है, अगर आप देखेंगे ये हैंडल, इसको जरा पॉज कीजिए एक सेकंड। ये आप जो देख रहे हैं इस हैंडल पर ये आयत लिखी हुई है या कुछ लिखा हुआ है, इसको जरा जूम करके दिखाइए। टीपू सुल्तान की तलवार के हैंडल पर जो लिखा था उसका मतलब हमें नहीं बताया गया। जबरदस्त तलवार थी, कवच तोड़कर घुस जाती थी, यह बताया, लेकिन हैंडल पर क्या लिखा था आपको पता है? हैंडल पर लिखा था, मेरी विजयी तलवार काफिरों के विनाश के लिए चमक रही। इस देश के अंदर जिस आदमी को हीरो बता रहे हैं उसका यह हिस्सा क्यों नहीं बताया कि वो तलवार पर लिखता था कि काफिरों के विनाश से चमक रही है तलवार, यह क्यों नहीं बताया? इतिहास की किताबों में टीपू सुल्तान को महान और बहादुर बताया गया, पर यह क्यों नहीं बताया गया कि वो दक्षिण भारत का औरंगजेब था? इतिहास के पन्ने कहते हैं कि वो दक्षिण भारत का औरंगजेब था। टीपू सुल्तान के बारे में दावा किया जाता है कि उसने अपने राज में हजारों महिला पुरुष बच्चों का कत्लेआम किया। जिन्होंने ये बातें बताई उनको, उनके बारे में उन्होंने जो लिखा वो क्यों नहीं बताया गया? और इतना ही नहीं, अत्याचारी नहीं किया, फिर उन्हें गुलाम बनाया। टीपू सुल्तान ने सैकड़ों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया और मैंगलोर, कुर्ग, कोयंबटूर, केरल जैसी जगहों पर हजारों लोगों का धर्मांतरण किया, यह दावा किया जाता है। यह क्यों नहीं पढ़ाया गया हमें? सीरियल में क्यों नहीं दिखाया? टीपू सुल्तान ने न सिर्फ हिंदुओं बल्कि ईसाइयों पर भी अत्याचार किए, यह दावा करने वाले इतिहासकारों के पन्ने क्यों नहीं पढ़ाए गए? उसने चर्च नष्ट किए, जलाए, उनका धर्मांतरण किया, यह कहां चला गया? सीरियल बनाने वालों को नजर नहीं आया कि यह भी तो दिख रहा है कहीं कहीं? टीपू सुल्तान का यह क्रूर चेहरा किताबों में नहीं बताया जाता, क्यों? तभी तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि साजिशन, इतिहास के पन्ने जो पढ़ाए गए हैं उसमें साजिश की बू आती है। टीपू सुल्तान ने 1788 में कर्नाटक के कोडागू यानी तब के कुर्ग पर हमला किया था। टीपू की सेना ने कोडागू में कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया था। कुशालपुरा, ताल कावेरी और मदिकेरी गांव पूरी तरह से उजाड़ दिए थे। 40,000 हिंदुओं को, 40,000 हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया। इन गांवों में 7,000 मुस्लिम परिवारों को बसाया गया था। यह क्यों नहीं बताया? अच्छा नहीं लग रहा था बताते हुए, तो जब यह अच्छा नहीं लग रहा था बताते हुए तो उसको हीरो बनाकर उसका सीरियल क्या बना के दिखा रहे थे भाई? इसी तरह से टीपू सुल्तान ने कालीकट के मालाबार में भी सेना भेजी थी। मालाबार में 7,000 ब्राह्मणों समेत कई हिंदू परिवार रहते थे। टीपू सुल्तान ने 2,000 ब्राह्मणों का कत्ल करवा दिया, यह दावा किया जाता है। सैकड़ों हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण करवाया। कई हिंदुओं ने जंगलों में भागकर अपनी जान बचाई थी। और हमारे यहां लोग सुबह सुबह पूजा पाठ करके टीपू सुल्तान लगाना, जरा देखें सीरियल क्या बॉस,
ये सब नहीं दिखा आपको? हमारे रिसर्च टीम को दिखा, आपको नहीं दिखा? कालीकट में टीपू सुल्तान की सेना के अत्याचार के बारे में पुर्तगाली यात्री फादर बार्थोलोम्यू ने अपनी किताब द वोएज टू द ईस्ट इंडीज में लिखा है कि 30,000 बर्बर सैनिकों के दल ने रास्ते में जो मिला उसे मार डाला। सैनिकों के साथ एक हाथी पर सवार टीपू सुल्तान भी चल रहा था, उसके पीछे 30,000 सैनिकों का एक और दल था। कालीकट में ज्यादातर पुरुषों और महिलाओं को फांसी पर लटका दिया गया। फांसी पर लटका देने वाले का बैठ के सीरियल देख रहे थे, लगाना जरा एंटीना, घुमाना जरा, साफ नहीं दिख रहा टीपू सुल्तान? साफ तो आज दिख रहा है जब मैं दिखाऊंगा। मासूम बच्चों को उनकी माओं के गले से बांधकर फांसी पर लटकाया गया, यह लिख रहा है एक भाई। ये पन्ने क्यों नहीं बताए? हिंदुओं और ईसाइयों को कपड़े उतारकर हाथियों के पैरों से बांध दिया गया था और हाथियों को तब तक घुमाया गया जब तक लोगों के शरीर के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। यह भी तो टीपू सुल्तान ही था ना। उस वक्त के एक जर्मन यात्री गंटेस ने भी कालीकट में टीपू के अत्याचारों के बारे में बताया। 1788 में टीपू सुल्तान 60,000 की सेना लेकर कालीकट आया और उसने सब तबाह कर दिया। जिस तरह के अत्याचार टीपू सुल्तान की सेना ने किए उसके बारे में बताना भी मुश्किल है, भाई लिख रहे हैं जर्मन यात्री उस वक्त। ऐसे ही दक्षिण का औरंगजेब, यह नाम नहीं दिया जाता कई जगहों। 1964 में लाहौर के पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज से लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान के नाम से एक किताब प्रकाशित हुई। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे इन किताबों में लिखा है ये वो, ये सही है नहीं है? भाई जो दूसरा पढ़ा वो भी किताबों से ही पढ़ा ना, तो वो वाला सही था और ये नहीं सही था। ये लिखने वाले सब गलत और वो लिखने वाले सब सही। और टीपू सुल्तान ने अपनी चिट्ठियों में क्या लिखा वो भी आगे बताऊंगा, अभी रुकिए, अभी तो वो चिट्ठियां लगाऊंगा। तो जो किताब आपको बता रहा हूं, लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान, इसमें लिखा है कि टीपू सुल्तान ने मालाबार के इलाके में 100,000 से ज्यादा हिंदुओं और 70,000 से ज्यादा ईसाइयों को कन्वर्ट किया, उनका जबरन धर्मांतरण किया और गोमांस खाने पर मजबूर किया। ऐसे लोगों के पास अब इस्लाम में रहने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। बाद में इन्होंने अपने बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देना शुरू किया। धर्मांतरण के लिए टीपू की इच्छा सिर्फ मालाबार इलाके तक सीमित नहीं थी, उसने इसे कोयंबटूर तक फैलाया। लाइफ ऑफ टीपू में लिखा है। टीपू सुल्तान के बारे में इतिहासकारों ने तो लिखा ही है, खुद टीपू सुल्तान ने अपने मातहतों को लेटर लिखकर मालाबार में कत्लेआम और धर्मांतरण का जिक्र किया था। टीपू सुल्तान ने सईद अब्दुल दुलाई और उसके अधिकारी बदरूज जमा खान को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में क्या लिखा आपको पता है? टीपू सुल्तान खुद लिख रहा है कि अल्लाह की रहमत से कालीकट में लगभग सभी हिंदुओं को मुसलमान बना दिया गया, केवल कोचीन राज्य की सीमाओं पर कुछ लोग बचे हैं जिनका धर्मांतरण नहीं हुआ है। मैं बहुत जल्दी उनका भी धर्मांतरण कराने के लिए संकल्पित हूं। इस लक्ष्य को हासिल करना मैं जिहाद मानता हूं। आपके दो पत्र मिले जिसमें आपने 135 हिंदू बंदियों के खतना करवाने के बारे में बताया, जो एकदम सही है। हाल ही में मालाबार में एक शानदार जीत मिली जहां हमने 4,00,000 हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाया है। यह टीपू सुल्तान लिख रहा है और उसको बैठकर हीरो की तरह हम टीवी सीरियल में देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं। मैं कहता हूं हीरो है नहीं, यह भी लिखो ना भाई, यह भी दिखाओ ना भाई, और पब्लिक को तय करने दो कि यह भी लिखा मिलता है। अब बताओ हीरो है कि विलन है? जिसको हीरो बनाना होगा वो बनाएगा, जिसको विलन बनाना होगा नहीं बनाएगा या बनाएगा, अपने हिसाब से तय तो करने दो। ये क्यों काट छाट दिया भाई? टीपू सुल्तान ने हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया, जैसा कि उत्तर भारत में औरंगजेब ने किया। ब्रिटिश राज में मालाबार के कलेक्टर रहे विलियम लोगन ने 1887 में मालाबार मैनुअल नाम की किताब में उन मंदिरों की लिस्ट दी जिसे केरल में टीपू सुल्तान ने नष्ट किया। ब्रिटिश इतिहासकार बेंजामिन लेविस राइस के मैसूर गैजेटियर में बताया गया कि जब टीपू सुल्तान की मौत हुई तो इतने बड़े साम्राज्य में सिर्फ 2 हिंदू मंदिर थे जहां नियमित पूजा होती थी। ब्रिटिश काल के अफसरों और कई इतिहासकारों के मुताबिक टीपू सुल्तान ने करीब 8,000 मंदिरों को तोड़ा था, यह दावा किया जाता है, 8,000 मंदिरों के तोड़े जाने का दावा। इतिहासकार रवि वर्मा के मुताबिक टीपू सुल्तान ने जिन मंदिरों को तोड़ा उसका जिक्र मालाबार गजेटियर में है। इनमें प्रमुख मंदिरों में
तिरुनाव्या मंदिर जो पूरे भारत में ऋग्वेद की पढ़ाई का केंद्र था उसको तोड़ दिया गया, यह कहा गया। नरसिम्हा मूर्ति मंदिर जिसे 4000 साल पुराना बताते हैं उसके तोड़े जाने की बात। कोझिकोड का ताली महादेव मंदिर, कोझिकोड का तिरुवन्नूर शिवा मंदिर जैसे सैकड़ों मंदिर शामिल। हालांकि कई इतिहासकारों और टीपू सुल्तान के समर्थकों का मानना है कि टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी नहीं था, उसने तो मंदिरों को दान दिया था और मंदिरों का सुरक्षा करता था। जैसे जो आपको बताया गया उसका रिविजन कराता हूं। आपको बताया गया कि टीपू सुल्तान ने कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ को मराठों के आक्रमण से बचाया। श्रृंगेरी मठ के जीर्णोद्धार के लिए टीपू सुल्तान ने दान भी दिया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के श्रीरंगनाथ मंदिर को भी चांदी का पात्र दान किया था। इसके अलावा नंजनगुड़ा में स्थापित नंजुंडेश्वरा मंदिर में मूर्ति स्थापित करवाई। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना यह भी है कि टीपू सुल्तान ने कुछ मंदिरों के साथ जो दरियादिली दिखाई वो उसकी रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ तीसरे युद्ध में बहुत कमजोर पड़ गया था। उसके सामने मराठा निजाम और अंग्रेजों की चुनौती थी। हिंदू बहुल प्रजा को खुश करने और मराठा आक्रमण से खुद को बचाने के लिए टीपू सुल्तान ने इस तरह की नीति को बाद में अपनाया, ये कई इतिहासकार दावा करते। तो इस दावे को भी तो बताना था, क्योंकि ये वही टीपू सुल्तान है जिसके बारे में इतिहासकार के एम पणिक्कर ने लिखा है कि जब केरल के एक राजवंश चिराक्कल राजाओं ने एक मंदिर को ध्वस्त न करने के लिए टीपू सुल्तान को सोना और चांदी देने का ऑफर दिया तो टीपू सुल्तान ने यह कहा कि तुम पूरी दुनिया भी मुझे दे दो तो मैं हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने से खुद को नहीं रोकूंगा। पूरी दुनिया की दौलत दे दो तब भी हिंदू मंदिर को ध्वस्त करने से नहीं रोकूंगा, ये इतिहासकार लिख रहे हैं। और सिर्फ कुछ मंदिरों के लिए जो किया वो बताकर यह बता दिया गया कि अरे यहां हिंदू लेके चलता था भाई, और ये पिछला सारा जो बता रहे हैं ये जो लिखा हुआ ये क्या है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में एक जामा मस्जिद बनवाई थी। मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा गया था। 1935 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि टीपू सुल्तान ने अंजनेय मंदिर को तोड़कर उसकी जगह जामा मस्जिद बनाने का आदेश दिया, जिसके बाद अंजनेय मंदिर को तोड़ा गया और मंदिर में रखी देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़कर उससे जमीन को समतल किया गया। ये बातें सुनकर आपको याद आ रहा जब मैं औरंगजेब का इतिहास बता रहा था तो क्या बातें आई थी, ऐसी चीजें सुनी थी आपने तब। औरंगजेब और टीपू सुल्तान का कनेक्ट जो लोग कहते हैं दक्षिण का औरंगजेब समझ में आ रहा है। और उस जमीन पर जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। इस मस्जिद में एक मदरसा संचालित होता है जिसके बारे में 2004 में ASI का एक पत्र सामने आया था जिसमें ASI ने मदरसे को अवैध कहा था। टीपू सुल्तान के अत्याचार सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं थे। टीपू सुल्तान ने ईसाइयों का भी जबरन धर्मांतरण करवाया और कई चर्च भी तोड़े। 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर रहे मेजर जनरल थॉमस मुनरो ने लिखा कि टीपू सुल्तान ने कर्नाटक में 27 कैथोलिक चर्च गिराने का आदेश दिया। मैंगलोर में 60,000 ईसाइयों को गिरफ्तार कर लिया था। इन सभी को मैंगलोर से श्रीरंगपट्टनम ले जाया गया। इस दौरान 20,000 ईसाइयों की मौत हो गई। 30,000 ईसाइयों को जबरन धर्मांतरण से मुस्लिम बनाया था और सैकड़ों की हत्या की थी। श्रीरंगपट्टनम में ईसाई महिलाओं की शादी जबरन मुसलमानों से करवाई गई। इस दौरान जो भी विरोध करता था उसके नाक कान और होंठ काट दिए जाते थे। अगर कोई भागते हुए पकड़ा जाता था तो टीपू के आदेश पर उसके पैर एक हाथ नाक और कान को काट दिया जाता था। 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत के बाद कर्नल विलियम किर्क पैट्रिक को फारसी में टीपू की हैंडराइटिंग में लिखे 2000 से ज्यादा लेटर मिले थे। इन चिट्ठियों में टीपू ने हिंदुओं को काफिर के तौर पर बताया था और अंग्रेजों को ईसाई बताया, जिसके सफाए और फिर धर्मांतरण की जरूरत टीपू ने बताई, जिससे भारत में इस्लामिक राज को स्थापित किया गया। 1782 में राज संभालते ही टीपू ने सबसे पहला काम किया था कि उसने शहरों और कस्बों को का हिंदू नाम बदलकर इस्लामिक नाम रखना शुरू किया। जैसे मैसूर को नजरबाद किया, मैंगलोर को जलालाबाद किया, कोझिकोड को इस्लामाबाद का नाम दे दिया। टीपू ने सरकारी कामकाज की भाषा कन्नड़ और मराठी से फारसी कर दी। टीपू सुल्तान ने इस्लामिक नियमों के हिसाब से कैलेंडर बनाए।
वजन और दूरी मापने के पैमाने भी इस्लामिक आधार पर कर दिए गए थे। लेखक एम एच गोपाल ने अपनी किताब टीपू सुल्तान्स मैसूर एन इकोनॉमिक स्टडी में लिखा है कि टीपू ने सेना और प्रशासन के अहम पदों पर ज्यादातर मुसलमानों को रखा। मुसलमानों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, इस्लाम धर्म अपनाने वालों को टैक्स देने से छूट मिल जाती थी। क्यों नहीं बताया ये सब? इस देश के लाखों करोड़ों हिंदू आराम से उठकर सुबह पूजा पाठ करके इस आदमी का सीरियल देखते हैं। कितने लोग इसकी किताबें पढ़ते हैं, इस किताबों में इसके बारे में पढ़ते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अगर इस देश में हिस्ट्री सही ढंग से लिखी गई है तो ये बातें जो लिखी गई हैं, जिन इतिहासकारों ने लिखी हैं, टीपू सुल्तान की चिट्ठियों का जो जिक्र है, वो कहां चला गया? सोचिएगा, पूछिएगा। और इसलिए कहता हूं, पाठशाला में हिस्ट्री ठीक से पढ़ाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो छुपाया गया वो भी बता रहे हैं, जो मिटाया गया वो भी ला रहे हैं। इसलिए पढ़िए भी, देखिए भी और दिखाइए भी।